डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल्स में हम फाइलम निमेटोडा की रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे निमेटोड्स डायोशियस हैं डायोशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल स्पीशीज़ जो हैं वो सेपरेट होंगी डायमोर्फिक हैं मेल जो हैं नॉर्मली दे आर स्मॉलर इन साइज़ एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल और इनके अंदर लॉन्ग क्वाल्ड गोनेड्स होंगे और ये गोनेड्स जो हैं दे आर फ्रीली सस्पेंडेड इन टू दीडो सिलों फीमेल सिस्टम जो है इसके अंदर ओवरीज हैं ओवरीज जो हैं दे आर नाट सिंपल बट दीज आर कॉन्व्यूल्यूटेड स्ट्रक्चर्स हर ओवरी जो है इसके साथ एक कंटिन्यूस डकट है जिसको हम कहेंगे ओविडक्ट ओवीडक्ट के अप्रॉक्सीमल एंड पे एक स्वलन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे हम कहेंगे सेमिनल रिसेप्टल्स और जो इसकी ओविडक्ट है दैट बिकम्स ट्यूब्यूलर एट द एंड टू फॉर्म स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूट्रस और टू यूटराई जो है दे यूनाइट टू फॉर्म स्ट्रक्चर कार्ड वेजाइना वेजाइना दिस ओपन्स आउटसाइड द बॉडी थ्रू आ फीमेल अपर्चर अब इसमें मेल सिस्टम जो है दे कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस testis jo hai, un, it is continuous with the structure called vas difference that eventually expand to form a structure known as seminal vesicle. Ye seminal vesicles jo hai, they connect to the cloaca males are normally armed with the posterior flap tissues called bursa this is a diagram showing the reproduction and development nematode reproductive system रिप्रोडक्टिव सिस्टम ए में फीमेल का है और बी के अंदर जो है वो मेल निमेटोड का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और इसमें जिस एनिमल को एज एन एग्ज़ाम्पल हमने यूज़ किया है वो है अस्कैरिस ए में फीमेल देखें आप ओवरीज़ ओवरीज़ के साथ जो डक्ट है और यहाँ पर ये डक्ट एक्सपेंड करके बना रही है यूट्रस यूट्रस के अलावा यहाँ पर जो ओविडक्ट्स हैं इंटस्टाइन के साथ मौजूद हैं जेनिटल पोर है विजाइना है सेमिनल रिसेप्टिकल्स मौजूद हैं मेल के अंदर आप देखें इसमें टेस्टिस टेस्टिस की डक्ट जो है दैट इज नॉर्मली गोइंग टू एक्सपेंड टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज वेस्ट डिफरेंस वेस्ट डिफरेंस से आगे फर्दर स्ट्रक्चर है सेमिनल वेजिकल तो मेल और फीमेल डायोशियस एनिमल्स दे आर इन एस केस ऑफ ए अब ये जो बरसा स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की बरसा स्ट्रक्चर जो है दिस हेल्प्स टू ट्रांसफर द स्पर्म टू द फीमेल जेनिटल पोर ड्यूरिंग कपुलेशन एंड आफ्टर कपुलेशन जो हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं सुडोसिलोम के अंदर दे मूव द स्पर्म्स टूवर्ड्स द एग्स एग्स एंड स्पर्म्स फर्टिलाइज इस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइज एग्ज जो हैं नाउ दे आर इन द गोनोपोर नंबर ऑफ एग्ज़ प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द स्पीशीज और इन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर जो नंबर ऑफ एग की प्रोडक्शन का रेट है वो डिफरेंट होगा कुछ निमाटोड्स जो हैं दे प्रोड्यूस सेवरल हंड्रेड एग्ज जबकि बाकी जो हैं दे प्रोड्यूस हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ एग्स कुछ निमाटोड्स जो हैं दे ऑल्सो गिव बर्थ टू लार्वे जिसको हम कहेंगे इस कंडीशन को हम कहते हैं ओवो वीवीपेरिटी कंडीशन एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टम्परेचर एंड मॉइस्चर दे आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर एग इसके अलावा ये एग्स की हेचिंग के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टम्परेचर दिस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इसके साथ साथ वाटर की जो पीएच है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी हेचिंग के बाद क्या होगा एक लार्वा प्रोड्यूस होगा और कुछ पैरासिटोलॉजिस्ट जो है इस लार्वे को ज्यूविनाइल लार्वा भी कह देंगे एंड जुवीनाइल लार्वा जो है दैट हैज़ मोस्ट ऑफ दी स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट इन अडल्ट बट इट इज़ नॉट एक्टिव सो इट इज सेड टू बी अ जुवीनाइल दिस लार्वा अंडरगोज सेवरल मोल्ड्स और नॉर्मली फोर मोल्ड्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं फर्स्ट वन टू मोल्ड्स जो हैं नॉर्मली दे अकर बिफोर द एग हेचिस एंड आफ्टर हैचिंग दिस डिवेलप इंटू एन अडल्ट एंड अडल्टैन एक ऑल द स्ट्रक्चर दैट वर प्रेजेंट इन देअर पेरेंट्स